बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पिशावर, आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर औकात लोग हमारे पास आते हैं और उन्हें ये शिकायत रहती है कि जी हमारी नाफ उतर गई है या नाफ टल गई है। अब नाफ उतरने का जो अमल है वो मेडिकली किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है? बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जो हमारा बदन बनाया है उसके लिए हर एक जगह की सपोर्ट के लिए टिश्यूज़ बनाए हैं। जिस तरह के हमारे स्केलेटन या ढांचे की सपोर्ट के लिए बोन्स हैं, इसी तरह जो हैं तो हमारी मूवमेंट के लिए पट्टे बनाए हैं अल्लाह ताला ने उन बोन्स के साथ अटैच। इसी तरह जो हमारे पेट का बैरूनी हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला ने चर्बी रखी हुई है। लेकिन चर्बी जो है वो इतना प्रोटेक्टिव सिर्फ शॉक से आपको बचा सकता है। लेकिन गौर कीजिए कि बिलफर्ज हम कोई बारी चीज़ उठा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ आके हमें तेज़ी से हिट कर जाए तो सिर्फ फैट्स या सिर्फ चर्बी ही वो इम्पैक्ट जो है या वो फोर्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। अब क्या होता है कि अगर हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं या एकदम से हमारे पेट के इन मसल्स में या इन पट्ठों में खिंचाव आ जाता है और वो एकदम से वो खिंच जाते हैं, सो इस वजह से जो है तो पेट के दर्द की और या जो पेट का बैरूनी हिस्सा है उसमें आपको दर्द की शिकायत महसूस होती है। पुराने ज़माने में चूंकि लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, वो लोग इस अमल को समझते थे कि ये नाफ उतर गई है। आजकल चूंकि मेडिकल साइंस एडवांस हो गई है तो उसमें हमें ये मालूम है कि पेट अपने बचाव के लिए और अपने जो अंदरूनी अज़ा है उनके बचाव के लिए ये पट्टे खिंच जाते हैं और इसी खिंचाव की हालत में ये रह जाते हैं। अब इस खिंचाव की हालत में अगर ये पट्टे कुछ देर तक रहते हैं तो इन पट्टों के अंदर कुछ तेजाबी मवाद है वो पैदा होता है, जिस तरह के लैक्टिक एसिड हो गया। तो जब भी आप थकन का शिकार होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पट्टे अक्सर दुखते रहते हैं या अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ हमारे बदन में दर्द शुरू हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है जो हमारे पट्टों में आ जाता है। अच्छा, जब पेट के पट्टे खींचते हैं तो पेट के पट्टों में लैक्टिक एसिड आ जाता है और इसी खिंचाव की वजह से आपके पेट का जो बैरूनी हिस्सा है उसमें आपको दर्द फील होना शुरू हो जाता है। अब आप जब ये दर्द महसूस करते हैं और जब आप अपने पेट को हाथ भी लगाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है और आपको ये महसूस होता है कि मेरी नाफ खिंच गई है या मेरी नाफ जो है वो उतर गई है। नाफ जो है बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो वो कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें पैदाइश के अमल से पहले एक अम्बलाइकल कॉर्ड बच्चे और उसकी माँ के दरमियान एक रिश्ता कायम होता है और एक कनेक्शन है जिसके ज़रिए जो है तो बच्चे को माँ के पेट के अंदर खुराक और उसकी ब्लड सप्लाई और उसका ऑक्सीजन और उसके टिश्यूज़ के लिए या बच्चे के बनने के अमल में जो चीज़ें दरकार हैं, जो ग़िज़ाइयत दरकार है वो होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाफ काट दी जाती है, कुछ दिनों बाद वो नाफ का जो छोटा सा हिस्सा रहता है वो गिर जाता है और एक जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है या एक डिम्पल रह जाता है और उसका ना कोई फंक्शन है बाकी पैदाइश के बाद, और सिर्फ वो एक आपके बदन में साख्त के तौर पे एक चीज़ है जो कि मौजूद रहती है। सो नाफ का उतरना बुनियादी तौर पे जो है वो बेसिकली पट्टों का खिंचाव है जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होता है। अच्छा, नाफ उतरने का मसला उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि भारी काम करते हैं या विग्रस एक्सरसाइज करते हैं। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि अक्सर औकात अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरी कमर में या पेट में दर्द है तो आपसे अक्सर औकात ही ये सवाल ज़रूर करता है कि आपने कोई भारी चीज़ तो नहीं उठाई। सो वो लोग जिनका स्टेमिना नहीं है, जो भारी काम नहीं करते, जो कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, वो अगर कोई भारी चीज़ उठा लें या वो थक जाएँ या उनके पेट पर अचानक से कोई प्रेशर पड़ जाए बाहर से, तो वो लोग जो हैं वो इस अमल का शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों को ये शिकायत है कि उनको लगता है कि उनकी नाफ उतर गई है या उनका एब्डोमिनल मसल जो है या पेट के पट्टे जो हैं वो खिंचाव में चले गए हैं, उनके लिए दो तीन ज़रूरी स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि आप अगर नीम गर्म पानी से नहा लें तो ये लैक्टिक एसिड जो पट्टों में जमा हुआ वो खून में शामिल हो जाता है और आपके पट्टों से बाहर चला जाता है और आपके पट्टे जो हैं उनका खिंचाव कम हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाते हैं, सो ये दर्द की कैफियत कम हो जाती है। सो नीम गर्म पानी से नहाना वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप अगर आराम से लेट के कुछ देर के लिए अपने पेट पे दबाव कम कर लें लेटने के साथ और आहिस्ता आहिस्ता से पेट के जो पट्टे हैं उनका मसाज किया जाए या उनकी थोड़ी सी मालिश की जाए, उनको दबाना नहीं है, उनकी थोड़ी सी मालिश की जाए, सो मसाज के साथ भी ये अमल रुक सकता है। इसके अलावा अगर जिन लोगों में मसाज के साथ या जो आम स्टेप्स हैं इनके करने के साथ अगर ये दर्द कम नहीं होता सो उनके लिए हम थोड़ा सा माइल्ड इंटेंसिटी का या कोई पेन किलर
और मसल रिलैक्सेंट वो जब हम उनको दे देते हैं तो उनमें ये शिकायत ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़रूरी काम जब आप कोई चीज़ उठा रहे हैं या आप झुक रहे हैं या कोई ऐसा अमल आता है जिस पे आपके पेट के पट्ठों पे प्रेशर पड़ने वाला हो तो उससे पहले आप अपने आप को तैयार कर लें, ये ना हो कि एकदम से झुक के और वो उठा लें। इसके अलावा जो एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अगर भारी चीज़ उठा रहे हैं सो आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, आपको इस बात का एहतमाम करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आप कोई चीज़ उठा रहे हैं सो झुक के नहीं उठानी, आप बैठ के और आपका जब उठ रहे हो वो चीज़ उठा रहे हो तो आपका ज़ोर जो है आपकी टांगों की बड़ी पट्ठों पे लेग्स पे आपका वज़न पड़ना चाहिए, ना कि आपका वज़न जो है वो डायरेक्टली आपकी कमर या आपके पेट के पट्ठों पे हो। तो आप बैठ के और आराम से, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो पाँव के पट्ठे बनाए हैं वो इंतहाई मजबूत हैं और वो वज़न उठाने के काम आते हैं। सो आपको अगर कोई चीज़ उठानी है तो वो झुक के नहीं उठानी, आप आराम से बैठ के अपने पाँव के बल और फिर आराम से जो सारा फोर्स है वो आपके पाँव पर पड़ना चाहिए, ना कि आपके पेट पर वो सारा वज़न आ जाए।